स्वागत है, मैं हूं निशा। आई नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। विश्व हिंदू परिषद एवं बजरंग दल ने जलाई चीनी सामग्री की होली। विश्व हिंदू परिषद एवं बजरंग दल की गुना इकाई द्वारा चीनी सामान की होली जलाई गई। साथ ही कार्यकर्ताओं ने स्वदेशी सामान खरीदने का आह्वान भी किया। दोनों संगठन के कार्यकर्ताओं ने बताया कि दीपावली का त्योहार हिंदुओं में सबसे बड़ा त्योहार माना जाता है। इस अवसर पर लोग सभी प्रकार का सामान अपने उपयोग के लिए बहुत बड़ी मात्रा में खरीदते हैं। फिर भी दीपावली पर सभी लोग चीन से बने इलेक्ट्रिक सामान एवं अन्य वस्तुओं का बहिष्कार करें। साथ ही दीपावली के अवसर पर इलेक्ट्रिक आइटम, लाइट की झालर, रंगीन बल्ब, सजावट की सामग्री आदि ना खरीदें। साथ ही चीनी पटाखों का भी बहिष्कार करें। साथ ही जिन पटाखों पर देवी देवताओं के फोटो हैं, उनका भी बहिष्कार करें। दुकानदार भी ऐसी वस्तुओं की खरीदी बिक्री ना करें। कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन करने के बाद नारेबाजी करते हुए चीनी सामान की होली भी जलाई। आज जो है चीनी सामान का बहिष्कार किया गया है। अभी दीपावली का त्यौहार आ रहा है, इसमें चीनी पटाखे समाज में नहीं खरीदे जाए और जो हमारे देवी देवता हैं, देवी देवताओं के जो फोटो लग रहा है जिन आतिशबाज पर पटाखों पर, वो भी बिल्कुल समाज ना खरीदे, इसका बहिष्कार करते हैं। और चीनी सीधी चीनी इलेक्ट्रिक जो सामान है, चीनी सामान का विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल पूरा हिंदू समाज इसका बहिष्कार करता है। कोई भी दुकान वाला ये चीनी सामान ना खरीदे, चीनी इलेक्ट्रिक लाइट ना बेचे वहाँ से, और कोई व्यक्ति ये सामान को ना खरीदे, इसका विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल बहिष्कार करती है। दर्शकों, आज की आवाज में आज बस इतना ही। कल फिर से नई खबर के साथ उपस्थित होंगे। दीजिए अनुमति, नमस्कार। देखते रहिए आपकी आवाज़।